टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रवाल की अगुवाई में कल देर शाम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए तीनों ही फॉर्मेट के लिए टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम के स्क्वाड को देखकर काफी सारे भारतीय क्रिकेट समर्थक निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरे पर चुनी गई किसी भी फॉर्मेट के टीम स्क्वाड में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम शामिल नहीं है। आपको याद ही होगा, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 दिसंबर 2022 को एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उनको काफी गंभीर चोटें आई थी, जिस वजह से वे लगभग एक साल तक टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने चाहने वालों को कुछ न कुछ मैसेज देते रहते हैं, कभी 15 अगस्त पर मोटिवेशनल स्पीच तो कभी क्रिकेट प्रैक्टिस करते हुए या सीडी पे चलते हुए। हालांकि उनके फैंस को उम्मीद थी कि पंत वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है तो उन्हें साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए जगह जरूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि पंत को आखिर टीम में जगह क्यों नहीं मिली और वो कब तक टीम में वापसी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल मीडिया में रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत अभी पूरे तरीके से मैच फिट नहीं है, जिसके चलते उन्हें टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे पर होने वाली किसी भी सीरीज के लिए टीम स्क्वाड के साथ नहीं जोड़ा गया। बीते कुछ घंटों में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत जल्द ही टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बीते एक वर्ष से टीम इंडिया के लिए कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। मौजूदा समय की बात करें तो ऋषभ पंत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया में बीते दिनों आई रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत जल्द ही घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2024 की शुरुआत में होने वाला इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत को टीम स्क्वाड में मौका मिल सकता है। टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के बाद से ही शानदार प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत ने अब तक अपने छोटे से टेस्ट करियर में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे मुश्किल बल्लेबाजी परिस्थितियों में जाकर टीम के लिए शतकीय पारी खेली है। भारत की तरफ से ऐसा कारनामा करने वाले ऋषभ पंत एकमात्र भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत ने अब तक टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेले 33 मैच में 43.67 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 2,271 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए 5 शतकीय और 11 अर्धशतकीय पारी खेली है। तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋषभ पंत की क्रिकेट के मैदान में वापसी जनवरी में होने वाले इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हो जाएगी। ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।